बिहार के औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड स्थित एनटीपीसी खैरा थाना क्षेत्र के पंचायत में जाने वाली सड़क की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जर्जर सड़क की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण सड़क पर ही थक हार कर धान रोपने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों ने एनटीपीसी को अपनी जमीन ये सोच कर दी थी कि उनका गाँव भी बड़े शहरों की तरह ही होगा और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। साथ ही एनटीपीसी द्वारा पावर प्लांट लगने के पहले गांव-गांव घूमकर टीवी के माध्यम से दिखाया गया था कि अगर यहां एनटीपीसी प्लांट लग जाता है तो सड़क, गली गली बिजली, स्वास्थ्य, कॉलेज की सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी और आसपास का गांव स्वर्ग बन जाएगा। इस पर उन लोगों ने सहमति जताते हुए अपनी जमीन एनटीपीसी को दे दी, लेकिन आज तक एक अच्छी सड़क तक नसीब नहीं हुई। इसके लिए कई बार एनटीपीसी के प्रबंधक तथा आला अधिकारी को भी कहा गया, मगर सड़क की स्थिति जो की तो बनी हुई है। इसी क्रम में सड़क की जर्जरता को देखते हुए ग्रामीण ने विवश होकर सड़क पर ही धान रोपना शुरू कर दिया है। हम लोग धान रोपा इसके लिए कर रहे हैं, जब हमारे क्षेत्र में एनटीपीसी जब आया था उस समय अपना प्लांट लगाने के लिए टीवी दिखाता था, गांव-गांव में टीवी दिखाता था कि भाई आप लोग हमको ज़मीन दीजिए। अच्छा। यहाँ का जितना भी लोकल क्षेत्र है ये स्वर्ग बन जाएगा, रोड, लाइट, नली, स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पानी और स्वास्थ्य सब आप लोग का मिलेगा जी। और इसके अनुसार हम लोग जितने भी यहाँ के विस्थापित प्रभावित जो लोग हैं एनटीपीसी को लगाने के लिए एकजुटता हम लोग हुए और एक ही दिन में हम लोग 1100-1200 किसान शपथ पत्र भर करके एनटीपीसी को हम लोग ज़मीन दे दिया जी। लेकिन आज कितना यहाँ के यूनियन, समाज सेवी, विधायक, सांसद सभी लोग बोला कि भाई हम लोग का यहाँ पर बहुत कष्ट, बहुत दिक्कत है, लेकिन एनटीपीसी महारत्ना कंपना जो है इसे कान में जू नहीं चल। बता दें कि अभी तो मानसून की शुरुआत ही हुई है, महज 2 दिन की बारिश में सड़क की स्थिति नरकी है, तो अभी पूरी बरसात बाकी है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि गौरतलब है कि सड़क की स्थिति जर्जर होने से कई गांवों का आवागमन बाधित हो जाता है। बरसात के मौसम में गांव के किसी भी व्यक्ति की तबीयत अगर खराब होती है तो खराब सड़क के कारण रास्ते में ही उसे दम तोड़ना पड़ता है।